हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। तो सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। इस क्वेश्चन में हमें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साइंस के मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं और इसी डाटा से रिलेटेड हमसे यहाँ पर तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम वन बाय वन इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फाइंड द, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि हमें इस डेटा में से हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स चेक करने हैं, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आप इस डेटा में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 95, और अगर आप सबसे छोटी वैल्यू चेक करेंगे तो आपको सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी 39। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर में हमने लिखा हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 95 एंड लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 39। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो डाटा हमारे पास गिवन है हमें उसकी रेंज फाइंड करनी है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि हाईएस्ट वैल्यू में से आप माइनस करेंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि लोएस्ट वैल्यू को। तो ये रेंज यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह हमने क्या रखा 95, क्योंकि हमें जो डाटा दिया गया है उसमें हाईएस्ट वैल्यू 95 है। माइनस का साइन एज इट इज आ गया। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ पर हमने रखा 39, क्योंकि जो लोएस्ट वैल्यू है वो 39 है, और जब आप 95 में से 39 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 56। तो इस डाटा की रेंज आ गई है 56। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, यानी कि जो डाटा हमें दिया गया है हमें उसका मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो न्यूमरेटर में हमने सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस चाहिए और अपॉन में हमें क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अपॉन में हमने लिखा 10। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 730। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 730, अपॉन में यहाँ 10 है तो अपॉन में 10 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में यहाँ एंड में जीरो है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी जीरो है, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा। तो हमें मीन क्या मिल गया है 73/1, और अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 73। तो फाइनली हम लिख सकते हैं Hence, the mean marks obtained by the group of students is 73. यानी हमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दिए गए थे उस डेटा का मीन 73 है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।